नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी आए दिन जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और किन्हीं का आँख की रोशनी भी चली गई है। इस पे नीतीश सरकार को विपक्ष दल के लोग उन्हें घेरे में ले रहे हैं और उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये शराब बंदी हुई थी तो उस समय महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग ली थी और सरकार का भी यह कहना था कि महिलाओं का ही भाग लेना और महिलाओं के कहने पर ही मैंने शराबबंदी की थी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी थी जिनकी प्रतिक्रिया इस तरह की आई थी कि शराब बंदी से उनके घर गृहस्थी अच्छी तरह से चल रही है, नहीं तो बहुत लोग ऐसे थे जो पीकर घर को बर्बाद किया करते थे और शराब पीकर अपने घर को सारे पैसे घर में दे रहे थे। तो आइए, हम आज महिलाओं के बीच में आए हैं। पटना की सड़कों पे आज महिलाएं हैं, महिलाओं पे हम महिलाओं से बात करने आए हैं। वो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं? अभी शराब जो बंद हुआ है, कहीं ना कहीं महिला भी उसमें भाग ले रही थी, महिलाओं का भी ये था, सहयोग था कि शराब बंद किया जाए, तो इसमें बहुत लोग मर रहे हैं, तो अभी इसमें क्या कहना चाहती हैं? तो बंद होना चाहिए बेटा, बंद होना चाहिए। हाँ, तो अभी जहरीली शराब पीकर बहुत लोग मर भी रहे हैं, सुन रहे हैं समस्तीपुर में लोग डेली का खबर आ रहा है कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, तो वैसे में नीतीश सरकार को सब लोग घेरे में ले रहा है, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं कि कौन इसका जिम्मेवार है? इसका तो सरकारी जिम्मेवार है। एक तरफ से आप बोल रही हैं कि शराब बंद भी हो जाना चाहिए, फिर अभी बोल रही हैं सरकार जिम्मेवार है, तो क्या जिम्मेवार होगा बेटा? शराब पी के लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? वो तो लड़का सब बेवकूफ़ी है जो शराब पी पी कर अपना लोग रोड पर तमाशा भी करता है ना। तो यानी कि शराब को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए या उसको चालू रखना चाहिए? ये कैसे कहे बेटा, हम ये तो हम नहीं कह सकते बाबू, है ना। चलिए, और भी यहाँ पर महिला हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। शराब बताइए, शराब मैं मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं इसलिए मुझे। तो ऐसे बाहरी लोग भी तो बाहरी लोग ना, क्या बताऊं अपना पीकर इधर उधर जो भी खुलेआम जो होता है तो उसके कारण से परेशानी तो होती होगी ना। प्लीज मुझे इसके बारे में कोई। चलिए ओके, यहाँ पर ये तो ये भी नहीं मालूम है कि हाँ मेरे हस्बैंड नहीं पी रहे हैं तो मैं इस पर क्यों प्रतिक्रिया दूँ, कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं। चलिए, शराब बंदी को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? शराब बंद है तो सही है या गलत है? सही है। सही है। हाँ। तो लोग अभी शराब पी पी के मर रहे हैं, उस पर क्या बोलना है? उस पर बोलिए, बोलना है कि क्यों, जब बंद है तो क्यों आप पी रहे हैं? कहे कि कानून में बंद हो, कानून के बंद कर दिया उसको, तो चालू लाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, चालू नहीं करना नहीं चाहिए। चलिए, इनका मत है कि चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष दल के जो लोग हैं वो उनका कहना है कि शराबबंदी की वजह से बेरोजगारों की ये खराब हो रही है, उनकी जवानी खराब हो रही है जवानों की। तो ऐसे में महिला जिनका बढ़ चढ़ के वो भाग ली थी शराब बंद को लेकर, आज उनसे बात करते हैं। मैम, इधर शराब जो बंद किया गया है, हाँ। तो नीतीश सरकार शराब बंद करवाया, महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ली थी कि हाँ उसको बंद करवा दिया जाए, तो अभी जो खबर आ रही है शराब पी के, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और उस पर नीतीश कुमार को सब लोग घेरे में ले रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे किए हैं कि शराब बंद किए, इससे बहुत जैसे शराब पी पी के बहुत बेहोश हो जाते थे या क्या कहे उसको, कितना की मृत्यु हो जाती थी, तो उस सबसे तो निवारण मिला। नीतीश कुमार तो हम लोग के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। अभी समस्तीपुर में लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, समस्तीपुर में, समस्तीपुर या और भी जगह से खबर आ रही है, तो उसके लिए तो नीतीश सरकार अच्छे कर रहे हैं सब कुछ से, तो हम लोग तो बहुत अच्छे हैं हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में, मेरी बेटी भी बीएड की है तो उस सब में भी, और मेरा बेटा ये भी बीएड कर रहा है, तो इस सब के लिए जैसे स्कॉलरशिप है उस सब में भी बहुत दे रहे हैं। अभी तो साल भर पहले मेरे पति, अच्छा क्या लग रहा है आपको कि शराब को कई विपक्ष दल, नहीं बंद रखना चाहिए, बंद रखना जी, चाहिए जी, जी। अच्छा, कई विपक्ष दल के लोग का मानना है कि नौजवानों की जवानी जा रही है, बेरोजगार ही आ रही है शराब की वजह से, बंदी की वजह से, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ये सही है? नहीं, ये तो रियलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं ये रियलिटी नहीं है, शराब बंद रखना चाहिए। और जो वहाँ पे आपको अभी खबर सुन रहे होंगे हमेशा, ये जो जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, हाँ अभी तो मरे,
इसका तो आइडिया नहीं है मेरे को। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका दोषी कौन? क्या गवर्नमेंट को इसका जिम्मेवार? नहीं, जनता है, जनता है, गवर्नमेंट जनता तो जिम्मेवार है ही ना। आप जाओगे फंसाएगा, कुछ लाइसेंस भी नहीं, ऐसे ही जाके पी लोगे तो शराब तो उसका कुछ जनता के साथ और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार, दोनों जिम्मेवार। जो शराब बिकता है उसमें प्रशासन भी जिम्मेवार है। मैं उनसे बात करती हूँ, मैम इधर जहरीली शराब पी कर लोग मर रहे हैं जी, तो उस पर कौन जिम्मेवार है? क्या लगता है आपको, जहरीली शराब पीना तो सरकार ही ना है मैम इसमें जिम्मेदार? अगर नहीं बेचेगा तो नहीं मिलेंगे, बिक रहा है तो ले रहे हैं लोग, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अलाउ नहीं है बेचना? अलाउ नहीं है मैम, फिर भी छुप छुप के बहुत सा हो रहा है। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अंदरूनी है, वो दिखावे की तरफ नहीं है, वो है। यानी कि उस पर एक्शन लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। तो अभी इस तरह की ये प्रक्रिया आ रही है कि शराब को अगर फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए तो इस तरह से लोग नहीं मरे, क्या लगता है आपको कि शराब को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसको तो पूरी तरह से बैन करना चाहिए ना, पूरी तरह से बैन करना। इसमें से औरत लोग का इतना नुकसान हो रहा है, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, और भी महिला है, मैं उनसे बात करती हूँ। सर आपको बोलना है? नहीं देना है, नहीं बोल रही है। देख रहे हैं कि महिलाएं, कुछ सारी महिलाएं का कहना है कि नहीं, ये नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो और भी हमारे साथ हैं जो मार्केट करने के लिए आए हैं। बिहार में शराब के लिए जो नहीं शराब जो बिक रहे हैं उस पर आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बिहार में तो बंद हो गई थी, अभी लोग मर रहे हैं। किस लिए? शराब के बिना? शराब के बिना नहीं, शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर। अभी खबर में आ रही है बराबर कि जहरीली शराब पीकर ज़्यादा की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक काफ़ी जगह पे ओपनली बिक रहा है। इवन लाइक जब दुर्गा पूजा एंड ऑल के इवेंट्स थे तो काफ़ी सारे शॉप्स में इजिली अवेलेबल था। आई थिंक चेकिंग रिन्यू करने की ज़रूरत है उन्हें, वापस इंस्पेक्शन एंड ऑल दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके दोषी कौन है? ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली उनकी भी करप्शन है ऑब्वियसली, इसीलिए वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं वापस से। जैसा आप सुन रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सब लोग घेरे में ले रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या जिम्मेवार वो है, जनता है, क्या है? आई थिंक जनता तो ऑब्वियसली है, बट देन जो लोग उसकी चेकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑफिसर्स एंड ऑल वो सारे स्ट्रिक्टली अभी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर से इन सारे लोग ही उसको क्या बोलूँ मैं। आप भी महिला हैं, उस समय जब शराबबंदी की गई थी उस समय महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ली थी, तो अभी क्या लग रहा है? विपक्ष दल के लोग कह रहे हैं कि उसको फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या वो फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? आई डोंट थिंक, बट आई थिंक कि कुछ प्रोटेस्ट होंगे तो शायद वापस से ऑफिसर्स पे प्रेशर बनेगा चेकिंग एंड ऑल शुरू करने का। आई थिंक दैट, आई डोंट नो। क्या लग रहा है शराबबंदी को? नो नो, वो आप भी महिला हैं और यहाँ पर आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, तो उस बारे में आप क्या बोलिएगा? नहीं, शराब को तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग लेडीज़ को प्रॉब्लम हुई है, तो नीतीश सरकार से आग्रह है कि प्लीज़ सरकार को बंदी रखे शराब को, ठीक है ना? तो बस और क्या बोल सकते हैं, कौन मर रहे हैं जो शराब पे, जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, उस पर जिम्मेवार कौन है? सरकार है, तभी तो चालू हुआ है। सरकार अगर टाइट रहेंगे, बंद फिर से करना चाहिए। बिहार में तो बंद था, बंद तो है ही, लेकिन लुक छुप कर लोग जो पी रहे हैं उस पे सरकार को क्या? पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना। तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं का क्या कहना है, उन्होंने बढ़ चढ़कर शराबबंदी में जिस तरह से भाग लिया था, आज भी उनका यही कहना है, कितने भी विपक्ष दल के लोग कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन महिलाओं का यही मानना है कि शराब को फिर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें जिम्मेवार जनता के साथ साथ सरकार भी है, क्योंकि अगर सरकार टाइट रहती, उसके प्रशासन अगर टाइट रहते तो शराब नहीं बिकती, उसमें छूट जला सा भी ढील नहीं होती, लोग नहीं मरते हैं, और शराब को पूर्णतः बंद ही रखना चाहिए, तभी समाज सुधर पाएगा और समाज ठीक हो जा पाएगा। मैं बहुत सारे यंग लोग से भी बात की, आपने जैसा कि सुना उनका भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि शराब को फिर से अगर लागू कर दिया जाए तो उसमें बेरोजगारी हट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ, धन्यवाद।